हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोवंश को पशु एम्बुलेंस का रहा इंतजार, तड़प कर त्यागे अपने प्राण। पोसालिया समीपवर्ती उतमड़ में सिरोही शिवगंज उतमड़ टोल के पास सड़क दुर्घटना में गाय का बछड़ा गंभीर रूप से घायल हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त लगी कि गाय के बछड़े का पिछला हिस्सा पूरी तरह से बिखर गया था। जब इसकी खबर ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को मिली, उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे में घायल पशुओं की सड़क किनारे रखने का प्रयत्न किया, पर उसकी हालत गंभीर थी, तड़प रहा था। सड़क पर हड्डियों का ढेर लग गया, अत्यधिक रक्त बह रहा था। वहाँ के हालातों को देखा नहीं जा रहा था। कई कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू बह रहे थे। सड़क पर आधे घंटे से ज्यादा वक्त का समय बीत गया था। पशु एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध नहीं होने से निजी वाहन से गौशाला पहुंचाने का प्रयास किया, वाहन को भी लाया गया। अफसोस, उसके प्राण नहीं बचा पाए, उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गौरतलब है कि गौ भक्तों द्वारा लंबे समय से पशु एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार टोल नाकों को अवगत करवाया जा रहा है, पर आज दिन तक ना तो पशु एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध हुई, ना ही टोल कंपनी अपने नियमों में संशोधन कर पशु एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के मूड में है, ना ही गांव के आसपास डिवाइडर पर लोहे की जाली की व्यवस्था हो पाई है। ऐसे में बेजुबान पशुओं के हादसे बढ़ रहे हैं। इस दौरान पुलिस थाने शिपाल सिंह, ओम श्री गजानंद सेवा समिति उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिसोदिया, हार्दिक कुमार रावल, दिनेश कुमार मीणा, मनोज सिंह, अर्जुन मीणा, छगनलाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।